अब खबरें विस्तार से। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला तहसील के जुम्मा गांव में भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ है, जिसके बारे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुमाऊं कमिश्नर सुशील कुमार और पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी से वर्चुअल माध्यम से जानकारी ली। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रभावित क्षेत्र से लोगों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के निर्देश दिए। प्रभावितों को रहने के साथ खाद्य सामग्री, दवाइयों और बच्चों के लिए दूध की पर्याप्त व्यवस्था किए जाने की भी बात सीएम ने कही। देहरादून से उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अवनीश जैन की रिपोर्ट। आज जनपद पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्र धारचूला के तोप जामुनी गांव जुमा तोप पर बादल फटने से वहां पर 7 लोगों के गायब होने की या मलबे में दबे होने की सूचना प्राप्त हुई है। हमारी पूरी टीम वहां पर भेज दी गई है। जिलाधिकारी वहां चले गए हैं, NDRF, SDRF सारी टीमें वहां चली गई हैं और जो भी जरूरी वहां के लिए इंतजाम है वो किए जा रहे हैं। साथ में 300 अभी तक बरामद बच्चों के हो गए हैं, 4 अभी भी नहीं मिल पाए हैं। हम लोग सारी जो अपडेट्स हैं उनको ले रहे हैं और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी वो भी बरामद हों और जो लोग जिनके घर वहाँ पर बह रहे हैं उनको अन्य स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। दवाइयों से लेकर खाद्यान्न तक जितनी भी व्यवस्थाएँ हैं उसको हम फौरी तौर पर कर रहे हैं। और साथ में मैं स्वयं वहाँ जाना चाह रहा था लेकिन बीच में अभी मौसम की खराबी के कारण से अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही मौसम ठीक होगा वहाँ पहुँचेंगे और स्थिति का जायजा लेकर हर संभव कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी जो राहत हो सकती है वो करें।